तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप फ्रेंड्स सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आज HSPT के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पता है कि आपको HSPT बोर्ड ने आपसे प्रॉमिस किया था, आपसे वादा किया था, एंड उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर नोटिस पर निकाल रखा था कि जो इस बार का पेपर होगा 25th जो पेपर चालू हो रहे हैं रीअपेयर वालों का, उनका पेपर का लेवल ईजी रहेगा एंड उस पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्या फ्रेंड्स, आज जो पेपर हुआ है 25 को, फर्स्ट पेपर मॉर्निंग शिफ्ट का, क्या उनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन लेवल इजी था या नहीं था, आज मैं सारा कुछ आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, एंड मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड गाइज बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पहले से ही पता था कि HSPT बोर्ड ने आपका पेपर में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पब्लिश करेगा एंड क्वेश्चन का लेवल बहुत हल्का कर देगा, इजी टू इजी करेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया। जो बच्चे इस बार पेपर देने वाले थे रीअपेयर के, गाइज उनके लिए कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन HSPT बोर्ड ने नहीं दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखलाने वाला हूँ और कुछ इसमें चेंजिंग नहीं आया है। जो आपको उसने नोटिस में बताया था फेसबुक पेज पर कि आपका पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, इजी रहेगा, गाइज ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप पेपर भी देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, जो सेम पैटर्न से पेपर आया है जो पिछले ईयर आया था एंड जो उसका पैटर्न HSPT बोर्ड का रहा है। गाइज इसमें कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला है। फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए है, जो वन वर्ड है गाइज, जो आप कंपलसरी रहता है, पिछले बार भी कंपलसरी था, इस बार भी है। सेक्शन बी है, वेरी शॉर्ट। सेक्शन सी है एंड सेक्शन डी है। तो फ्रेंड्स, HSPT बोर्ड ने आपसे गद्दारी किया है, आपसे झूठ बोला है। एंड आपको ये भी बता दूँ कि HSPT बोर्ड ने ये जो कुछ बच्चे पंचकुला गए थे, HSPT के ऑफिस में भी गए थे, उनसे भी प्रॉमिस किया था कि जितने भी बच्चे 5-6 बच्चे अंदर गए थे उनसे भी प्रॉमिस किया था कि आपका पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, डायरेक्टर सर ने बोले थे, बट ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया है अभी। और जो पैटर्न था सेम पैटर्न पर अपने क्वेश्चन सेट किया है। तो फ्रेंड्स, अब आप देख लो, आपका कोई पेपर में अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। आप अब सीरियसली से पढ़ाई करो। जिन बच्चे का पेपर अब नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक में है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप पढ़ाई करना। आपका लेवल कोई हल्का नहीं है, सेम लेवल से आपका पेपर आ रहा है। पता नहीं ये HSPT बोर्ड वाले क्या कर रहे हैं, इनको तो पेपर अभी ऑनलाइन लेना था। इनके दिमाग में क्या बैठा है? इनके दिमाग में सिर्फ गाइज पैसा पैसा पैसा, सिर्फ पैसा आना चाहिए और किसी सोर्स से पैसा आए। अभी गाइज एक कॉलेज में GP महम में 28 या 30 स्टूडेंट अपीयर होने वाले थे गाइज, बट उनमें से 15 बच्चे अब्सेंट थे आज के डेट में। आज के डेट में बता रहा हूँ, 30 बच्चे का वहाँ पे रीअपेयर का पेपर था, बट 15 से 20 बच्चे ऐसे थे जो अब्सेंट थे, जो बिहार यूपी या अदर स्टेट या अदर कंट्री के थे। तो गाइज HSPT बोर्ड को सिर्फ पैसा चाहिए, बस पैसा चाहिए गाइज। तो गाइज प्लीज़ आप पढ़े और आपका पैटर्न सेम रहेगा नेक्स्ट एग्जामिनेशन में भी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल।